द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोसरी ऑफ डेमोग्राफिक टर्म्स इस लेक्चर सीरीज का ये 9th लेक्चर है, जिसमें पी से स्टार्ट होने वाले जो डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें से इम्पोर्टेंट टर्म्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। जिन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। पैरिटी एंड बर्थ ऑर्डर, पेरिनेटल मोर्टालिटी, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इम्प्लोजन, पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन मोमेंटम, पॉपुलेशन पिरामिड, पॉलीगेमी मैरिज, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब पलट कर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी ईयर के पेपर में यहां से रिलेट करके क्वेश्चंस जरूर और जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले से प्रिपेयर रहें और लिमिटेड टाइम में बट टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल के साथ आप प्रिपेयर करें और की पॉइंट्स अपने कॉपी पर नोट करते जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का होने वाला है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी सीरीज से क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई देंगे और आपका प्रिपरेशन कम से कम समय में ऑलमोस्ट हो चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट एज अवर फर्स्ट डेमोग्राफिक टर्म्स, पैरिटी एंड बर्थ ऑर्डर। नाउ पैरिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डिलीवरीज ऑफ ए वीमेन आफ्टर जेस्टेशनल पीरियड ऑफ 20 वीक्स। किसी भी वीमेन का नंबर ऑफ डिलीवरीज होगा आफ्टर शी इज बीइंग प्रेग्नेंट और ये उसके जेस्टेशनल पीरियड के 20 वीक्स तक के लिए काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरिटी है इसमें लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ इन दोनों को हम काउंट करते हैं। द डिलीवरीज इंक्लूड बोथ लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ एंड दैट्स वाई इट इज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ जेस्टेशन। तो अगर ट्विन बेबी अगर हुई उस केस में भी वन पैरिटी ही कहा जाएगा। ए ट्विन प्रेगनेंसी इज काउंटेड एज वन पैरिटी। ए वुमेन हैविंग नो लाइव बर्थ इज कॉल्ड जीरो पैरिटी वुमेन। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसमें ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस बन सकते हैं उनको यहां पर अरेंज किया गया है और पैरिटी से रिलेटेड ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। नाउ बर्थ ऑर्डर, बर्थ ऑर्डर भी पैरिटी से ही रिलेट करके समझा जा सकता है। इट रिफर्स टू द लाइव बॉर्न चाइल्ड और द इवेंट ऑफ बर्थ। पैरिटी में लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ ये दोनों होगा बट आफ्टर जेस्टेशनल पीरियड जब लाइव बर्थ अकर होगा तो उसको हम कहेंगे बर्थ। तो किसी भी वीमेन का फर्स्ट लाइव बर्थ क्या कहलाएगा? फर्स्ट बर्थ। सेकेंड लाइव बर्थ क्या कहलाएगा? सेकेंड बर्थ। एंड सिमिलरली थर्ड बर्थ, फोर्थ बर्थ, अप टू नेक्स्ट लेवल ऑफ बर्थ। तो अगर हम इसको पैरिटी से कोरिलेट करें तो जब कोई भी लाइव बर्थ अकर नहीं होगा तो उस केस में क्या कहलाएगा? जीरो पैरिटी वुमेन। बट क्योंकि उस केस में स्टिल बर्थ भी हो सकता था तो ये पैरिटी के केस में जीरो पैरिटी वुमेन हो जाएगा बट फर्स्ट लाइव बर्थ के केस में बर्थ ऑर्डर कहलाएगा। और इसी वजह से यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोट है आप समझ सकते हैं कि पैरिटी बिगिंस विद जीरो व्हाइल द बर्थ ऑर्डर बिगिंस विद वन। और इसमें बेसिक सा यही डिफरेंस है कि पैरिटी में लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ दोनों इंक्लूड होता है, इस वजह से ये पैरिटी जीरो से स्टार्ट होगा बट बर्थ ऑर्डर में ओनली लाइव बर्थ को ही काउंट करते हैं इसलिए ये स्टार्ट होगा वन से। तो यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज किया गया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस और होता है कि बर्थ ऑर्डर में हम जब भी बर्थ ऑर्डर को देखेंगे तो ये रिफर करेगा चाइल्ड से या बेबीज से, जबकि पैरिटी हमेशा विमेन से कनेक्ट करेगा। द बर्थ ऑर्डर रिफर्स टू द चाइल्ड वेयर एज पैरिटी रिफर्स टू द मदर। इसमें रिलेट करके एक दो टर्म्स और हैं जिसको मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, ग्रैंडेविटी एंड जेंडर पैरिटी। तो ग्रैंडेविटी वो स्थिति कहलाएगी जब विमेन के नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज को काउंट करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम ए विमेन हैज बीन प्रेग्नेंट। और जेंडर पैरिटी क्या होगा? इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेक्स रेशियो एंड इट इज द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एंड विमेन इन द गिवन ग्रुप और पॉपुलेशन। तो इस स्लाइड में आपने पैरिटी और बर्थ ऑर्डर इन दोनों को समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड है पेरिनेटल मोर्टालिटी। तो पेरिनेटल मोर्टालिटी क्या होता है? ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ डेथ आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्लस द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग लाइव बॉर्न चाइल्ड अप टू 7 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ। ये
स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और इसको इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाया गया है। इसे मैंने लास्ट के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक माइनर बेसिस पर एक्सप्लेन करूंगा। तो पेरिनेटल मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी के 28 वीक्स के दौरान और आफ्टर लाइव बर्थ बट विद इन 7 डेज ऑफ लाइफ, तो ये पेरिनेटल मोर्टेलिटी हो जाएगा। एंड पोस्टनेटल मोर्टेलिटी क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ बट रीचिंग टू द एज ऑफ 1 ईयर, ये हो जाएगा पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी। इस प्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं कि किसी भी बेबी का कंसीव से लेकर 1 ईयर तक के ड्यूरेशन में जो डिफरेंट स्टेजेस में मोर्टेलिटी होगी उसको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में समझाया गया है। इस ड्यूरेशन में जो डिफरेंट स्टेजेस में बेबीज का डेथ होगा उन डेथ्स के टर्म्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एक इजी वे में यहाँ से पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को समझा जा सकता है। आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर कंसीव हुआ और 28 वीक्स तक पहुँचते अगर इस ड्यूरेशन में बेबी का डेथ होता है मींस मिसकैरेज होता है तो ये कहलाएगा फोइटल डेथ। 28 वीक्स कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बर्थ हुआ और बर्थ होने के 7 डेज के भीतर डेथ हो गई तो ये कहलाएगा पेरिनेटल मोर्टेलिटी। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर कंसीव होने के बाद और बर्थ होने के बीच इन दोनों के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। नाउ जब बर्थ हो गया और बर्थ होने के बाद बट 1 ईयर के भीतर अगर मोर्टेलिटी होती है तो ये मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाती है और इसी इन्फेंट मोर्टेलिटी को स्पेसिफिक एज वाइज डिफरेंट नेम्स में कैटेगराइज किया गया है। अगर डेथ 0 से 7 डेज के भीतर होता है तो ये अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी कहलाती है। यहाँ पर अगर पेरीनेटल मोर्टेलिटी की बात करें तो जेस्टेशन के 28 वीक्स और आफ्टर 7 डेज ऑफ बर्थ इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहलाएगा। मतलब इसमें जेस्टेशन पीरियड और बर्थ ये दोनों इंक्लूड होगा बट अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी में बर्थ के बाद बट 7 डेज के भीतर इसको काउंट करेंगे। बट 7 डेज के बाद और 28 डेज के भीतर अगर डेथ हो बेबी का तो ये कहलाएगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो 0 से 28 डेज ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया और इस 1 मंथ के बीच में इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है तो ये अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी और लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी इसमें ये डिफाइन हुआ। लेकिन सिंगल एक टर्म में अगर कहा जाए तो ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी होगा। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड्स अर्ली प्लस लेट बोथ। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि 28 डेज तक तो बेबीज का लाइफ साइकिल चला बट 28 डेज से 1 ईयर के बीच उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ये कहलाएगा पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी को अगर हम एक मेजर पार्ट में समझें तो ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी और पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन दोनों का ड्यूरेशन का सम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और एक मेजर थ्योरेटिकल पार्ट को अपने इस स्ट्रक्चर से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप फैमिलियर होंगे कि ये एक क्राइसिस का सिचुएशन कहलाएगा जब पॉपुलेशन में एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हो और जिससे किसी भी कंट्री में क्राइसिस का कंडीशन आ जाए। ए क्राइसिस इन विच पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन कंट्रीज इल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपुल, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाएगा और पॉपुलेशन इम्प्लोजन इसका जस्ट अपोजिट होगा। पॉपुलेशन इम्प्लोजन रिफर्स टू द ड्रास्टिक डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, इसेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट अकर और कोलैप्स। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं बट यहाँ पर एक पॉपुलेशन बॉम्ब करके टर्म्स है। ये पॉपुलेशन बॉम्ब एक फेमस बुक थी जिसके ऑथर पॉल एहरलिच एंड हिज वाइफ एन्ने एहरलिच ये दोनों थे। ये बुक पब्लिश हुआ था 1968 में। इसका कवर पेज कुछ इस टाइप का था, जब पॉपुलेशन बॉम्ब बुक का डिस्कशन होता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जुड़ जाता है लिमिट टू ग्रोथ। ये लिमिट टू ग्रोथ 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश किया गया था। दैट वॉज ऑथर्ड बाई मीडोज, इनका पूरा नाम डोनेला मीडोज था। इस बुक का भी कवर पेज कुछ इस टाइप का था। जब 1968 में पॉपुलेशन बॉम्ब पब्लिश हुआ उसी ईयर क्लब ऑफ रोम
ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ था, इसका फाउंडेशन हुआ, जिसके फाउंडर ऑरेलियो पियकी, अलेक्जेंडर किंग एंड डेविड रॉकफेलर ये लोग थे। मैंने पहले ही बता दिया कि लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश हुआ था, जो कि इसका फर्स्ट और फेमस रिपोर्ट था। लिमिट टू ग्रोथ जो बुक थी उसकी रिसर्च टीम को डोनेला मुइडोज ने हेड किया था, मतलब कि उस पूरे रिसर्च टीम का हेड डोनेला मुइडोज थे, एंड दैट्स वाई मुइडोज इज ऑल्सो नोन एज द ऑथर ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने एक सिंगल स्लाइड में कवर करने की कोशिश किया है, और यहाँ से चाहे आप किसी भी ईयर के पेपर में देखेंगे एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सिर्फ इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, पॉपुलेशन बॉम्ब एंड लिमिट टू ग्रोथ। तो इसको आपको स्ट्रिक्टली प्रिपेयर कर लेना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है पॉपुलेशन सेंसस। तो पॉपुलेशन सेंसस की जब बात होगी तो हम अभी 2011 के ही डेटा पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? इट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा एट ए स्पेसिफाइड टाइम टू ऑल पर्संस इन ए कंट्री। इसमें डेटा का कलेक्शन होता है, इसका कंपाइलेशन होता है, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, एंड देन डेटा पब्लिश होता है। बट वो किस टाइप का डेटा होगा? डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा। इसेंशियल फीचर की बात करें तो इसके 8 इसेंशियल फीचर्स हैं, जिसमें सीरियल वाइज आपको याद रखना है स्पॉन्सरशिप, डिफाइंड टेरिटरी, यूनिवर्सलिटी, साइमल्टेनिटी, पीरियोडिसिटी, इंडिविजुअल यूनिट्स, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन एंड इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं कि जो फर्स्ट पॉइंट है स्पॉन्सरशिप, कंट्री के पॉपुलेशन सेंसस को स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, ये डिफाइंड टेरिटरी के अंडर कंडक्ट किया जाता है, इसमें एक यूनिवर्सलिज्म देखने को मिलता है, दैट्स वाई द यूनिवर्सलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। साइमल्टेनिटी, इसमें समानता देखने को मिलती है। पीरियोडिसिटी, ये हर एक पीरियड के ऊपर बेस होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एवरी 10 ईयर पर ये कंडक्ट किया जाता है, तो इसलिए ये पीरियोडिसिटी यहाँ पर बात हो गई। इंडिविजुअल यूनिट्स, इसमें कंट्री के प्रत्येक पर्सन को काउंट किया जाता है और साथ ही साथ उनके डेमोग्राफिक और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी एनालाइज किया जाता है। जब इतने सारे डेटा कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, ये इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, एंड इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट जब होता है तो ये कहलाता है इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट पर हम फोकस करें तो हमें ये मालूम चलेगा कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, एंड दैट वाज नॉन सिंक्रोनसली, बिकॉज 1872 के बाद 1881 में आफ्टर 9 ईयर्स ये कंडक्ट किया गया था। तो सेकंड सेंसस था 1881 में, बट इट वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस। ये दो पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट सेंसस 1872 का लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था और 1881 का लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेंसस 2011 का जो काउंटिंग था वो 15th नंबर था इन कंटिन्यूएशन टू द 1872 सेंसस एंड द 7th सिंस इंडिपेंडेंस, और 21st सेंचुरी में ये सेकंड सेंसस था। यहाँ पर दो फिगर में ब्रांड एम्बेसडर्स को दिखाया गया है। 2011 के सेंसस में प्रियंका चोपड़ा एंड सचिन तेंदुलकर, इन दोनों को सेंसस को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चूज किया गया था। यहाँ पर एक फिगर और देख सकते हैं, ये एक लेडी एनुमरेटर है। शी इज द फेस ऑफ सेंसस 2011 एंड रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स ऑफ फुट सोल्जर्स अंडरटेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज, एंड शी इज चूजन एज मास्कोट ऑफ सेंसस 2011। तो आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडियन सेंसस 2011 का मास्कोट क्या था, तो आपका सिंपल सा एक आंसर होगा लेडी एनुमरेटर या वुमेन एनुमरेटर। नेक्स्ट स्लाइड है पॉपुलेशन मोमेंटम। तो पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ होने के बाद भी वो कंटिन्यू ग्रोइंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। इसको और भी दूसरे तरीके से यह समझा जा सकता है कि रिप्लेसमेंट लेवल
फर्टिलिटी के अचीव होने के बाद भी पॉपुलेशन में ग्रोइंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है और ये स्थिति पॉपुलेशन मोमेंटम कहलाती है। इस पूरे नोट्स को मैंने इस वेबसाइट से लिया है और जो फिगर दिख रहा है ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पॉपुलेशन मोमेंटम के रिगार्डिंग, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम इज मेनली ए फंक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर एंड इस एज स्ट्रक्चर में ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन होंगी हु आर इन चाइल्ड बियरिंग एजेस, या यू कह सकते हैं द वीमेन वुड बी इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स 15 to 49 ईयर्स। चूंकि पॉपुलेशन मोमेंटम में लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हमें दिखाई देता है, उसकी टेंडेंसी होती है ग्रोइंग पैटर्न, दैट्स वाई देयर वुड बी मोर बर्थ देन दोज ऑफ डेथ एंड दैट्स वाई इवन वेन रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इज अचीव इट कैन टेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ए लॉन्ग टाइम टू रीच जीरो। इस केस में पॉपुलेशन का ग्रोथ की टेंडेंसी हमें लगातार देखने को मिलती है एंड दैट्स वाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जीरो की टेंडेंसी हमें शो नहीं हो सकता। द लार्जर द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इंटरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स द फास्टर द पॉपुलेशन विल ग्रो। पॉपुलेशन में जैसे जैसे चिल्ड्रेन की संख्या बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चिल्ड्रेन यूथ में कन्वर्ट होते जाएंगे, या यूं कहें कि वो एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उनकी एंट्री होती जाएगी एंड दैट विल रिजल्ट द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ। इस पॉपुलेशन मोमेंटम को इस फिगर से समझा जा सकता है कि एक लार्ज व्हीकल है जस्ट लाइक ट्रेन, ये फास्टर तो चलती है बट रुकने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और इसके अगेंस्ट में कोई बस है या कार है तो ये फास्टर तो चल रही है बट इसको रुकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ए लार्जर व्हीकल टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू स्टॉप देन ए स्मॉलर व्हीकल। सिमिलरली ए पॉपुलेशन हेवीली कंसंट्रेटेड इन यंगर एजेस विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू रीच जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट स्लाइड है पॉपुलेशन पिरामिड। सो पॉपुलेशन पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज टू सेक्सेस इन ए पॉपुलेशन, लेफ्ट साइड इंडिकेट मेल एंड राइट साइड इंडिकेट फीमेल। वर्टिकल एक्सिस पर एज रिप्रेजेंट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पॉपुलेशन, या यू कहें नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन ईच सेक्सेस। तो पॉपुलेशन पिरामिड का एक ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें वो सभी चीजें यहाँ पर मेंशनड है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन। ये सभी ग्रुप में पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। बेस हैज द यंगेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ से 0 to 100 दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस पर। पॉपुलेशन जब भी स्टार्ट होगा तो यंगर एज से स्टार्ट होगा और इस बेस में यंगर पॉपुलेशन होता है। टू सेट्स ऑफ बार ग्राफ शोज द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ये टू सेट्स ऑफ बार ग्राफ है जिसमें लेफ्ट साइड में मेल और राइट साइड में फीमेल होती हैं। तो ये एक सिंगल पैटर्न में दो अलग अलग इंडिकेटर्स को शो करता है। ये वर्टिकल में एज को शो करता है और लेफ्ट साइड में सेक्स को शो करता है और राइट साइड में भी सेक्स को शो करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने पहले ही बताया एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये पॉपुलेशन साइज को बताता है और वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स एज ग्रुप। मेल्स आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट एंड फीमेल्स ऑन द राइट ऑफ द वाई एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस, इसके लेफ्ट में मेल एंड राइट में फीमेल। द पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया है। 1945 में नोटिस्टिन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी दिया था। इसके चारों स्टेज को हम पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड वाज पब्लिश्ड इन 1874 इन एन स्टैटिस्टिकल एटलास ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कि जो फर्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड था 1874 में यूनाइटेड स्टेट के स्टैटिस्टिकल एटलास में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड है पॉलीगैमी। ये पॉपुलेशन में उपस्थित जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके मैरिंग पैटर्न से रिलेटेड है। पॉलीगैमी इज ए प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक स्पाउस के साथ में जब मैरी हो तो वो कहलाएगा पॉलीगैमी। और ये दो टाइप के होते हैं पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री, ये दो टाइप के कहलाएंगे। पहले हम पॉलीगैमी
जो ये वर्ड है, इस पॉलीगेमी वर्ड को यहाँ पर इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मेल पार्ट है, उस मेल के एक से अधिक स्पाउस हैं, तो वो केस पॉलीगेमी कहलाएगा, या एक फीमेल पार्ट है और इस फीमेल के भी एक से अधिक स्पाउस हैं, तो ये केस भी पॉलीगेमी कहलाएगा। बट इन दोनों केस में इसके अलग अलग डेफिनेशन हो जाते हैं, क्योंकि पॉलीगेमी दो टाइप के होते हैं। तो जब ये केस होगा तो उसे पॉलीजिनी मैरिज कहेंगे, और जब ये केस होगा तो इसे पॉलीएंड्री मैरिज कहेंगे। और इन्हीं दोनों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। व्हेन ए मैन मैरी मोर देन वन वीमेन दिस केस, एंड व्हेन ए वीमेन मैरी मोर देन वन मैन इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री दिस केस। इसमें एक टर्म और आएगा, पॉलीमोरी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेंसुअल नॉन मोनोगैमी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोनोगैमी क्या होता है। मोनोगैमी मैरिज प्रैक्टिस में वो टर्म है जिसमें सिंगल स्पाउस काउंट किए जाते हैं। तो कंसेंसुअल नॉन मोनोगैमी क्या हो जाएगा, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स एट द सेम टाइम विद द फुल नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। क्योंकि मोनोगैमी में लीगली सिंगल स्पाउस होंगे, बट नॉन मोनोगैमी के केस में इसमें से कोई सा भी केस हो सकता है विद द फुल नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। तो ये कहलाएगा पॉलीमोरी या कंसेंसुअल नॉन मोनोगैमी। नेक्स्ट स्लाइड है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से किसी भी कंट्री का वेलबींग की एनालिसिस की जाती है, और इस एनालिसिस में टोटल 3 इंडिकेटर्स यूज होते हैं। फर्स्ट होगा बेसिक लिटरेसी, सेकंड होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी, एंड थर्ड होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द PQLI इज एन अटेम्प्ट टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ ए कंट्री बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स, एंड दोज 3 इंडिकेटर्स आर मेंशनड हियर, एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स हैव इक्वल वेट फ्रॉम 0 to 100 स्केल। 1 रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट हियर, सॉरी ये 0 होगा, 0 रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट एंड 100 रिप्रेजेंट्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो PQLI है उसका रेंज 0 से 100 तक होता है, जिसमें 0 सबसे वर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और 100 ये किसी भी कंट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसको डेवलप किया था मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में फॉर 23 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, PQLI इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स प्लस बेसिक लिटरेसी इंडेक्स डिवाइडेड बाई 3। और इसका रेंज 0 से 100 तक होता है। यहाँ पर 1 बाई मिस्टेक टाइप हुआ है, इसको आप 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी। इस प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी में अगर हम इस मिडिल वर्ड को देखें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेटलिस्ट। तो जहाँ भी नेटलिज्म की बात होगी तो वहाँ बर्थ रेट या फर्टिलिटी की बात होगी। तो प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा पॉलिसी होगा जिसमें फर्टिलिटी बिहेवियर के लिए इनकरेज किया जाएगा, और वो इनकरेजमेंट क्या होगा, इंसेंटिव के तौर पर इसको देखा जाएगा। द पॉलिसीज विच आर डिजाइंड टू इनकरेज मोर बर्थ थ्रू द यूज ऑफ इंसेंटिव्स इट इज कॉल्ड प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी। और ये पॉलिसी उन कंट्रीज में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ की नेचुरल इंक्रीज बहुत ज्यादा लो हो और उस कंट्री की एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो, या यूं कहें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी तो उस कंट्री का यंग पॉपुलेशन में देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, इस वजह से वेरी लो नेचुरल इंक्रीज वहां दिखाई देगा। दैट्स वाई इन दोज कंट्रीज मोर बर्थ के लिए वहां की जेनरेशंस को इंकरेज किया जाएगा यूजिंग इंसेंटिव्स टू देम। एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी देखा, इस एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी में बर्थ को डिक्रीज करने के लिए इंक्रेज किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी। एंड एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी इज ए पॉपुलेशन पॉलिसी विच एम्स टू डिस्करेज बर्थ। एंड चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी। एक दूसरा टर्म है पॉपुलेशन पॉलिसी। सो पॉपुलेशन पॉलिसी इज ए स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन में चेंजिंग के पैटर्न को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, या उस कंट्री की गवर्नमेंट जो स्ट्रेटेजी
एडॉप्ट करेगी वो कहलाएगा पॉपुलेशन पॉलिसी। इट रिफर्स टू द लेजिस्लेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स एंड अदर गवर्नमेंट एक्शन इन ए कंट्री। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग बर्थ रेट, स्टेबिलाईजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ तक पी से स्टार्ट होने वाले जो डेमोग्राफिक टर्म्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को मैंने अरेंज किया हुआ था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपने देखा। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पर जो मैंने उसमें कंटेंट इकट्ठा किया है और उसको एक्सप्लेन किया है उस पर मेहनत करें, नोट्स को खुद से अपने हैंड रिटेन में प्रिपेयर करें और रेगुलर रिवाइज करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले एक्सेस करें और उसको देखें और नोट प्रिपेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।